ऐसा नहीं, 1200 हम लोग पूरा गाए हैं गीत, तब देखें लास्ट में लोग लिया है या डाल दिया है कोई, हम लोग पूरा गीत गाए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका देखता दो तीन शब्द में आपका खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये नेशनल एंथम कितना सेकंड का होता है? कितना सेकंड का होता है? कितना घड़ी देख के नहीं हम गाते हैं, घड़ी देख रहे थे है? देखिए बनाया हुआ कितना सेकंड, ले पूरा गीत नहीं गाया उन्हें है। आपको याद है नेशनल एंथम? क्या याद है आपको? क्या परीक्षा ले रहे हैं? है? परीक्षा ना ले रहे हैं, हम तो झंडा फहरा रहे थे, लोग गा रहे थे, पूरा गाए हैं लोग। भारत माता की जय कहाँ कहाँ है? है? हम लोग वहीं से गा के छोड़ दिए क्या? भारत माता की जय नहीं, जयकार नहीं मनाए? जय हिंद जय भारत कुछ कहबे नहीं किया आपका? हम लोग पूरा गीत गाए हैं अच्छी तरह, और वहां हम लोग लगता है कि पौन घंटा तक वहां हम लोग रहे, कोई सहरबड़ी नहीं था। आज हमारे साथ मौजूद है राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुस्कान कुमार यादव दानापुर से। आज हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी को जो गाया गया मतलब राष्ट्रीय गान आशा सिन्हा विधायिका के द्वारा, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे मुस्कान आप? भारत के बच्चे बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रीय गान 48 से 52 सेकंड में गाया जाता है। हमारे दानापुर विधानसभा के माननीय विधायिका आशा सिन्हा भाजपा नेता, उनको 14 से 15 सेकंड में राष्ट्रीय गान गाते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रीय गान का सबसे बड़ा अपमान भाजपा नेता आशा सिन्हा जी किए हैं। उनको जब अपना राष्ट्रीय गान नहीं आता भारत का, तो जनता को क्या सेवा करेंगे?